सुरंग में बस दो अब नहीं दूर। अपडेट बिल्कुल पॉजिटिव है कि प्लेटफॉर्म रिवैम्प हो गया है। अगले 5 मीटर तक अभी टनल माउथ जहां पर हम हैं, कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे को बाधा करने के लिए वहां पर नहीं है। उम्मीद की किरण, खत्म होगा रण। चंद पल और बाहर आने का दौर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एफर्ट उन तक सकुशल पहुंचने में जल्दी कामयाब हो। आज शाम तक सर कामयाबी लग सके, उम्मीद करते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे टनल हादसे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आज शाम तक पूरा हो सकता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अगले 5 मीटर तक जो सुरंग है उसमें ड्रिलिंग के लिए कोई रुकावट नहीं है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी कर रही है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे पहले ही रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है। 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। टनल रेस्क्यू से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाम तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू, ये बड़ी जानकारी। तो अगले 5 मीटर ड्रिलिंग में दिक्कत नहीं है, ये जानकारी भी दी गई है। जनरल वीके सिंह रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद है वहां पर। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर पीएमओ के पूर्व सलाहकार यानी कि भास्कर खुलबे ने नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अगले 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं है, आज शाम तक सफलता की उम्मीद है। सर, आप अभी टनल के अंदर विजिट करके आए हैं, प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज कर लिया गया है, क्या अपडेट है सर अभी पूरे ऑपरेशन को लेकर? अपडेट बिल्कुल पॉजिटिव है कि प्लेटफॉर्म रिवैम्प हो गया है और ऑगर कटिंग, ऑगर ड्रिलिंग रिकमेंस करने के लिए जो एफर्ट चाहिए होते हैं वो हम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और पाइप के मुंह पर जो थोड़ी सी पिचकन थी उसको रिमूव करने के लिए पाइप को काटा जा रहा है और वो जल्दी ही हम वो काम संपन्न कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। ड्रिलिंग का काम शुरू करने में अभी समय लगेगा सर? नेचुरली जब हम पाइप काटने के बाद फिर से ऑगर उसमें मशीन में बिठाएंगे और फिर मशीन को नया पाइप ऐड करेंगे, उन सब में संपन्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो कितना कितनी देर फिर भी सर? 11:30 तक हमको ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं जी। सर अभी तक 46.8 मीटर का लेंथ बताया जा रहा था जो कवर किया गया है, इसमें कुछ अपडेट है सर? नहीं, अब देखिए अगर हम पाइप के मुंह को काटेंगे तो फिर नेचुरली लेंथ तो हमारी कम हो जाएगी जी। अगर हमें 1.5 मीटर से 2 मीटर काटना है तो वो लेंथ फिर घटा दीजिए जी। सर जो DRDO के इक्विपमेंट के जरिए डेंसिटी चेक की जा रही थी उसमें DRDO के बजाय पार्सन्स करके संस्था है, उनकी ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की जो स्टडी है उसका हमने सहायता लिया है और उससे ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक अभी टनल माउथ जहाँ पर हम हैं, कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे को बाधा करने के लिए वहाँ पर नहीं है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सर जल्द अच्छा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम और कितनी दूरी बाकी है? दूरी तो 12 से 14 मीटर बाकी है और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो हम स्मूथली आगे चलेंगे जी। एक आखिरी सवाल सर, अंदर जो लोग मौजूद हैं जाहिर सी बात है उनसे आप लोग बात तो लगातार कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, जब आप उनको अपडेट तो दे ही रहे होंगे कि कितना और रह गया? हाँ हाँ, वो बिल्कुल तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए कि उस तरफ से भी अगर हमको कुछ रबल निकालना पड़े तो वो लोग तैयार हैं, उनके पास क्योंकि मशीन्स भी हैं वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एफर्ट उन तक सकुशल पहुंचने में जल्दी कामयाब हो। आज शाम तक सर कामयाबी लग सके, उम्मीद करते हैं।
और अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ मजदूरों को खाने पीने की चीजें इन बोतलों में भरकर दी जा रही है, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए महाकाल मंदिर में भस्म आरती भी की गई है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, जहां सुरंग के अंदर खिचड़ी, दूध, खाने पीने का जो सामान है वो भेजा जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज राहत की खबर आ सकती है, बाहर आ सकते हैं सभी मजदूर। तीसरी तस्वीर न सिर्फ महाकाल मंदिर में, देश में प्रार्थनाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई है, प्रार्थना की गई कि ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर जल्द से जल्द निकले। एक तरफ रेस्क्यू अभियान में जैसे जैसे देर हो रही है